हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर देखने वाले हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण क्लास 12 में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर तात्पर्य है शब्द युग्म, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया हो और आपके लिए काफ़ी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताऊंगी और 2 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुझे आशा है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तरंग और तुरंग, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, ठीक है। और उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और 2 दिया होगा और 2 क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक यानी 1-1 अंक मिलेंगे, जिससे कि आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऐसे करके आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। 4 मतलब विकल्प दिया होगा, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विकल्प नहीं मैंने लिखा, मैं डायरेक्ट उत्तर इसका लिख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर है तरंग और तुरंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा लहर और घोड़ा। क्या हो जाएगा? लहर और घोड़ा। तरंग का होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में देखिए तरंग तुरंग ऐसे आप बुक में याद करके जाएंगे, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलिए आप याद करके गए कि तरंग तुरंग का, लहर और घोड़ा, लहर और घोड़ा, ऐसे आप याद कर लेते हैं। लेकिन अगर सोचिए, एग्जाम में ऐसे भी होता है कि पहले तुरंग दे देता है, क्या देता है? तुरंग दे देता है, फिर तरंग देता है, यानी इन दोनों को घुमा फिरा दिया जाता है, तुरंग तरंग दे देता है। तो अगर एग्जाम में लहर और घोड़ा ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो इसीलिए तरंग का अर्थ होता है लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, ऐसे याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है सर। सर सर का मतलब होता है बाण और सर का मतलब होता है तालाब, ठीक है। सर का मतलब होता है तालाब। अब थर्ड नंबर देखते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीरज और नीरज, ठीक है। नीरज का मतलब होता है कमल, नीरज का बादल। और स्टूडेंट, आप कमेंट में लिख कर भेजते हैं, पूछते हैं हमसे कि मैम क्या ये आएगा एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये एग्जाम में आएगा तभी तो हम आपको बता रहे हैं। और कई बार ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम नहीं बताते आपको, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो फोर्थ नंबर देखते हैं। अनिल और अनल। अनिल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? वायु होता है, ठीक है। अनिल का मतलब वायु होता है और अनल का मतलब होता है आग। क्या होता है? अनल का मतलब आग होता है। 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये अनिल और अनल ये पूछा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे पूछा गया? अनल और अनिल करके पूछा गया था, ठीक है। कैसे पूछा था? अनल और अनिल, पहले अनिल नहीं दिया था, पहले अनल दिया था फिर अनिल दिया था, ठीक है। तो इसीलिए कई बच्चे स्टूडेंट कन्फ्यूज में भी हो गए होंगे, लेकिन आपको नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल ही। 5 नंबर है अंश और अंश। ये देखिए, ये दोनों अंश में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अंश का मतलब होता है भाग और अंश का मतलब होता है कंधा। जो स्टूडेंट मैथ से हैं वो तो जानते होंगे कि अंश जो है ये इसका मतलब भाग होता है, ठीक है। 6 नंबर है अविराम। अभिराम मोस्टली इम्पॉर्टेंट है ये। अविराम मतलब होता है अनवरत और अभिराम मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। अविराम मतलब आकर्षक। 7 नंबर है डियर स्टूडेंट जलज और जलज, कमल और बादल, ठीक है। जलज का मतलब कमल, जलज का मतलब बादल। और प्रसाद प्रासाद, प्रसाद मतलब कृपा और प्रासाद मतलब महल, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये सब जो मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसे लर्न कर लेना है, ओके। 9 नंबर है कपीस और कपीस, मटमैला और सुग्रीव, ठीक है। कपीस का मतलब मटमैला और ये कपीस का मतलब सुग्रीव। और डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, आप वीडियो को थोड़ा सा ही देख कर स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए, ठीक है। क्या पता कि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं हो, ठीक है, तो आप जानते ही हैं। 10 नंबर है तरणी और तरणी, सूर्य और इसका मतलब होता है नाव। 11 नंबर है कुल, कूल, वंश और किनारा, ठीक है। कूल है ये, कुल है, ठीक है, किनारा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये थे 11, ठीक है, शब्द युग्म, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, लाइक करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चल जाए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। किसके लिए? वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ओके।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।